एयरपोर्ट से मैगजीन और कारतूस के साथ गिरफ्तार कलीम उद्दीन के पास मिला कई फर्जी आईडी कार्ड। जी हां, दरभंगा हवाई अड्डा पर मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक यात्री को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी जिले के डांका थाना क्षेत्र के डांका का ही रहने वाला कलामुद्दीन शनिवार को मुंबई जाने के लिए मोतिहारी से दरभंगा आया था। सामान चेकिंग के दौरान उसके पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस जो 9mm का बरामद किया गया। तत्काल हवाई अड्डा पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने मोहम्मद कलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद कलामुद्दीन के पास से कई तरह के फर्जी आईडी कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य कागजात बरामद हुए हैं, जिसकी सत्यापन की जा रही है। कलामुद्दीन अपने को पत्रकारी बता रहा है। हवाई अड्डा की पुलिस ने मोहम्मद कलामुद्दीन को सदर थाना के हवाले कर दिया है। सदर SDPO अमित कुमार ने बताया कि कलामुद्दीन के पास से एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस सहित कई आईडी कार्ड बरामद हुआ है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। आखिर बरामद आईडी कार्ड सहित पैन कार्ड में कौन सही है, कौन फर्जी है, इसकी संग पड़ताल की जा रही है। मामला यह है कि एयरपोर्ट पर आज बॉम्बे जाने वाली जो फ्लाइट है स्पाइस जेट की, उसमें जा रहे यात्रियों की जब सामान को स्कैन किया रहा था, उसमें स्कैनर में कलामुद्दीन नाम का ये शख्स है जो मोतिहारी का बताया जा रहा है, जैसा इसका आई कार्ड वगैरह से पता चल रहा है। इसके सामान में ये 3 लाइव बुलेट्स और एक मैगजीन मिला। उसके बाद इसे डिटेन किया गया है और पूछताछ के लिए सदर थाना अंतर्गत लाया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या क्या सर बरामद जो हुए हैं उसमें कुछ संदिग्ध नज़र आ रहे हैं सामान आप? संदिग्ध में फिलहाल तो ये बुलेट्स हैं और इसके अलावा इसका आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम कुछ और है, एक आध प्रेस का कार्ड है जो उसने बना रखा है। कोई प्रीवियस इसका ट्रैक अपराधी का रहा है, ये सब पता किया जा रहा है उसके मोतिहारी जिले से। ये क्या बता रहा है, ये आया कहाँ से और कहाँ जाना था और ये बुलेट कहाँ से इसके पास आया, ये कुछ जानकारी? ये अभी तरह तरह की बातें बता रहा है लेकिन उस पर स्पष्ट कुछ कहना मुश्किल है, जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा सर कि कोई संदिग्ध मामला है? जो फेक आई कार्ड्स हैं, प्रेस का कार्ड है, एक मानवाधिकार का कार्ड है, ये सब देखते हुए तो मामला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रतीत नहीं हो रहा है। सर PA5 से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ था, जब मोतिहारी में कुछ कांड का संलिप्त जांच के लिए टीम गई थी, तो उससे भी कुछ इसको जोड़ के देखा जा रहा है। अभी बहुत अर्ली है कुछ कहना इसके लिए, इनसे पर कुछ कहना बहुत अर्ली स्टेज है। सर क्या पहचान, क्या बताया, नाम क्या बताया, कहाँ का रहने वाला? नाम वगैरह है, थाने से पुष्टि की गई है, वहाँ के थाने से इस नाम का शख्स वहाँ एग्जिस्ट करता है। नाम क्या बताया? कलीमुद्दीन। सर जिस गांव का ये बताया जा रहा है नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, तो क्या लग रहा है कुछ इंटरनल इस तरह की बात है क्या? सब पर वहाँ से जांच पड़ताल की जा रही है, इंटरडिक्टेड कोऑर्डिनेशन करके वहाँ के पुलिस के सहयोग से उस सब पर जांच पड़ताल की जा रही है।